चलो जी सर स्टार्ट करेंगे आज हमें कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है क्या नहीं हो रही ना तो फिर काय को पढ़ रहे अपन जीएसटी स्टार्ट करूँ क्या एनी वन विद बायो है ना बायो बायो स्टार्ट कर सकते हैं अपन चलो उसमें पहला टॉपिक क्या होना चाहिए बायो में प्रोडक्शन नहीं चलिए अस स्टार्ट योर Yes, do चलिए सर बात करते हैं पी जी बी पी की पी जी बी पी कैसे और क्या आ सकता है कितने मार्क्स के लिए आ सकता है एंड हाउ डज इट मेक डिफरेंस अगर मैं पी जी बी पी की बात करूँ मिनिमम सिक्स मार्क मैक्सिमम सिक्सटीन मार्क ये कहीं पर भी रेंज करता है टोटल इनकम का कोई भी क्वेश्चन उसमें पी जी बी पी को होना ही है यस yes ऑन चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में है मतलब ऐसे सेक्शन जो बिल्कुल आने के पूरे चांसेस है फोर्टी फोर ए बी फोर्टी फोर ए ए फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए ये वो सेक्शन है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आएंगे ही थर्टी टू थर्टी फाइव

थर्टी फाइव ए डी थर्टी फाइव डी देन फोर्टी वन डीज आर ऑल सेक्शन. सर एक दो कोई और बचे तो वो भी लिख दो अब आपको भी पता है मतलब मैं क्या नया बताऊं कि इतना तो पीजीबीपी में है ही यस yes, ये वो सेक्शन है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेंगे ही ठीक है अब कुछ और बातें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में कुछ और बातें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच में देख देखो पीजीबीपी के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं मैं तेको वो बता देता सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है पीजीबीपी का ये आता है तेको सेक्शन वाइज कैसे आता है बोलो बेटा सेक्शन वाइज एक मिनट तो पहले जो तेरे को क्वेश्चन बनता है पीजीबीपी का वो बनता है सेक्शन वाइज क्वेश्चन अब सर ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन किस तरीके का होता है जिसमें आपको सिर्फ एक सेक्शन पे क्वेश्चन आता है जिसके फेवरेट सेक्शन सेक्शन थर्टी टू सेक्शन थर्टी फाइव ए डी सेक्शन फोर्टी फोर ए बी ए डी ये आपके जो है ये स्पेसिफिक सेक्शन वाइज क्वेश्चन है यानी अगर मैं कहना चाहूँ

ठीक है अब पी के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे पी के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे सबसे पहले आपको सेक्शन बेस्ड आएंगे इस सेक्शन बेस्ड के अंदर में सेक्शन थर्टी टू थर्टी फाइव ए डी फोर्टी फोर ए बी फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए फेवरेट सेक्शन है जिसपे सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनता है ठीक है सर फिर बनेगा कंप्यूट पीजीबीपी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आपको दो तरीके दिए जा सकते हैं एक है पीएनएल दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट याद आ रहा है यस रादर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाता है बराबर इस तरीके का क्वेश्चन होगा मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसी तरीके का क्वेश्चन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होता है जिसके तहत आपको करना है अब अगर आपको पी एन एल दिया है तो आपको कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करनी चाहिए स्टेप्स सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सर सर आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाना चाहिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं ठीक है सेक्शन बेस्ड में तो सिंपल है जो सेक्शन में बोला है वो आपको करना है विषय खत्म राइट पी एन एल में आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाना चाहिए नेट प्रॉफिट के बाद आपने जो सॉल्व करना है वो है नोट्स नेट प्रॉफिट के बाद आपने जो सॉल्व करना है वो क्या है बेटा नोट्स नोट्स के बाद आपको कहाँ जाना है क्रेडिट साइड टू पी एन एल फिर आपको कहाँ जाना है क्रेडिट साइड टू पी एन एल और फिर आपको जाना है डेबिट साइड टू पी एन एल दिमाग में रट लो और इसी स्टेप्स के थ्रू आप आगे बढ़ोगे ठीक है तो पीएनएल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने है पीएनएल वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल है सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाओ वहां से नोट्स में जाओ वहां वहां से side, से से क्रेडिट साइड साइड डेबिट इस तरीके से आपको पूरा सर्कल घुमाना है कम कम ऑन अगेन यहां से नीचे, से इदर, से से नीचे इधर इधर पूरा सर्कल इस तरीके से आपको घुमाना है समझ में आई बात सेक्शन को अप्लाई करते हुए अच्छा यहाँ अगर, अगर अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है तो आपको क्या करना है आपको इनकम लेनी है पूरी की पूरी जो पीजीबीपी के अंदर में टैक्स होने वाली है इसमें से एलिजिबल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं बोलो क्या माइनस करने हैं एलिजिबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है और ये आपका पीजीबीपी अराइज हो जाएगा तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका टोटल इनकम वाला क्वेश्चन तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा आपका टोटल इनकम वाला question. मतलब आपको प्योरली टोटल इनकम पे क्वेश्चन आएगा अब टोटल इनकम पे क्वेश्चन है मतलब यहां पे मल्टीपल हेड्स कवर होंगे मोस्टली पी के साथ आई को कम्बाइन किया जाता है एच को कंबाइन किया जाता है यस yes, इसको मोस्टली हेड्स में कंबाइन किया जाता है पी सैलरी कभी कंबाइन नहीं होता आप जानते हैं ये बात यू बिकॉज ऑफ सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन यानी मैक्स टू मैक्स आपको पी एंड आईएफओएस पी एंड एचपी एफ एचपी एंड आईएफओएस ऐसे तीन हेड को जोड़ दिया जाता है प्लस यहां पे वो आपको डिडक्शन की टेस्टिंग भी करते हैं मतलब आपको डिडक्शन रिलेटेड डिटेल्स भी दी होगी आपको डिडक्शन डिटेल रिलेटेड डिटेल्स भी दी होगी और वहां पे आपको क्या किया जाएगा टेस्ट किया जाएगा राइट right? कि डिडक्शन अलाउड है या डिडक्शन अलाउड नहीं है इसी टाइम पे आपका टोटल टैक्स भी कंप्यूट किया जाएगा मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा अब आपकी टैक्स लाइविलिटी भी निकालो मतलब मल्टीपल हेड्स दिए हैं डिडक्शन दिया है और एंत में आके आपको बोला जाएगा आप टैक्स लाइविलिटी कंप्यूट करो एंड ऐसे टाइम में आपको नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम दोनों देकर के बच्चे को याद ही ना रहे वहां तक के सॉल्व करने के लिए वो सब दिया जाता है बराबर है। अब ऐसे केस में आप क्या करो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप वर्किंग नोट बनाओ फॉर ईच हेड आप हर हेड के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाओ मतलब आपको एचपी दिख रहा है एक वर्किंग नोट उसके लिए ऐसे केस में लीव फर्स्ट पेज ब्लैंक पहला पेज सीधा सीधा ब्लैंक छोड़ देना मतलब पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना आपका पहला पेज सीधा ब्लैंक छोड़ दो क्यों कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी मतलब एग्जामिनर जैसी पेपर खोले उसको स्ट्रेट अवे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी दिखनी चाहिए पेज नंबर टू से हर हेड का एक सेपरेट वर्किंग नोट दिखना चाहिए समझ में आ रही बात फिर क्रिएट करो वर्किंग नोट फॉर डिडक्शन डिडक्शन का एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लो याने आपके हेडवाइज बन गए आपके टोटल इनकम बन गए और सारे के सारे नोट्स लिखो ईच वर्किंग नोट मतलब अगर आप पीजीबीपी से रिलेटेड वर्किंग नोट बना रहे हैं तो पीजीबीपी से रिलेटेड जितने नोट्स हैं सब पीजीबीपी के नीचे लिखो आईएफओएस बना रहे हो तो आईएफओएस के रिलेटेड जितने सब उधर लिखो मैक्सिमम बच्चा गलती करते हैं सारे दुनिया के नोट्स एक साथ लिख डालता कंप्लीटली रॉन्ग pgbpb के नीचे pgbpb के नोट ifos के नीचे ifos के नोट डिडक्शन के नीचे डिडक्शन का नोट बराबर है और एंड में एंड में आपके कैरी फॉरवर्ड के नोट्स आने चाहिए या फिर अजम्पशंस आने चाहिए अगर कोई लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपने कोई अजम्पशन लिया है वो आपको आना चाहिए सर वीडियो के ऊपर लाइक्स नहीं आ रहे प्लीज फटाफट लाइक करना चाहिए आपने हाँ मतलब यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए इतना तो आप भी कर सकते हैं हमारे लिए यस और नो तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इसके अलावा आपको थ्योरी भी आ सकती है पीजीबीपी से पर क्या ऐसा भी कुछ होता है कैसे <laughs> आ सकती है थ्योरी भी आ सकती है आपको सर बीजेपी में कैसे थेरी आ सकती है बिल्कुल आ सकती है 44 डबल ए के ऊपर आपको थेरी आ सकती है 43 थ्री वन के ऊपर आपको थेरी आ सकती है बराबर है 41 के ऊपर आपको थेरी आ सकती है आर यू गेटिंग द पॉइंट ये वो सेक्शन है जिनके ऊपर आपको थेरी बिल्कुल बन सकती है बराबर है तो इनको आप थेरी क्वेश्चंस के हिसाब से वर्कआउट कीजिएगा भैया कितने मार्क्स को आएगा किस किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये क्लियर है भाई साहब पूरे इंडिया को चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे सर मेरे को एक बात बताइए पीजीपीपी पढ़ने के लिए कौन से रेलेवेंट सेक्शन है कि भैया मैं इतना इतना पढ़ लू और पीजीपीपी मेरे को सब आ जाए इनरेवेंट क्वेश्चन है ना पीजीबीपी आप अगर दो बार भी प्रोविजन पढ़ लेंगे नहीं आ सकता एज अ टीचर मैं बोल रहा हूं आप टीचर होते हुए ये बोल रहे हो नहीं मेरी पूरी बात को समझिए और प्लीज इतना वीडियो कट करके ना मेम बनाने की कोशिश मत करना ठीक है अंडरस्टैंड करना सर पीजीबीपी लुकिंग इन टू द वाइड आस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इतने मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे वर्कआउट कर ही नहीं सकते

समझ में आ रही बात तो आज से मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाना और टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सॉल्व करना जहां अटकोगे जहां अटकोगे ये समझना कि प्रोविजन जाके पढ़नी पड़ती वो प्रोविजन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ता बट माय फ्रेंड्स टोटल इनकम में इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि टोटल इनकम का क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हो सकता डू यू अग्री विद दिस पॉइंट विद द मोस्ट सेंसिबल लॉजिक तो आपने कोई भी बुक से कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लिए किसी भी टीचर के कोई भी बुक से कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर दिए इनफैक्ट मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सोल्व कर दिए ये रिपीट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए तभी जा करके रियल टेस्टिंग पता चलेगी आपको समझ में आ रहा है तभी जा करके आपको रियल टेस्टिंग पता चलेगी कि हाँ यार, यार ये पी में इतने वेरिएशन पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दो एडजस्टमेंट्स किस तरीके से होती है इसकी इस पॉइंट के ऊपर ध्यान दो आपको सब समझ में आ जाएगा क्लियर है बहुत डीप सोचने की जरूरत नहीं है चुपचाप कंटेंट के ऊपर फोकस करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इसके ऊपर फोकस करो आराम से जम जाएगा पीजीबीपी कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक के है पीजीबीपी में सेक्शन ट्वेंटी एट से लेकर के फोर्टी फोर तक के कवर है याद होगा तो फोर्टी फाइव से कैपिटल गेन चालू हो जाता है यस तो सेक्शन ट्वेंटी एट से लेकर फोर्टी फोर तक के कवर है अब ध्यान से सुनना प्रॉफिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है वट एवर इज माई इनकम माइनस माई एक्सपेंसेस पीएनएल को इमेजिन कर लीजिए अंत में जो प्रॉफिट आता है लेफ्ट साइड में ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड फिर ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और अंत में क्या आता है प्रॉफिट जिसको हम इनकम टैक्स को बताते कि भैया मेरा ये प्रॉफिट है मेरे है, को इस पर टैक्स देना है इनकम कहां कहां लिखी है पीजीपीपी में इनकम तीन जगह पे लिखी है एक लिखी है सेक्शन ट्वेंटी एट में बराबर है इसको हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन एक लिखा है सेक्शन फोर्टी वन में जिसको हम कहते हैं डीम्ड पीजीबीपी। और एक लिखी है सेक्शन फोर्टी फोर ए डी फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए जिसको हम कहते हैं प्रिजर्मटिव इनकम अब देखिए अकाउंट्स इज अ वेरी फनी लैंग्वेज यू अकाउंट इज अ वेरी फनी लैंग्वेज वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड गलत है ये अकाउंट्स के हिसाब से आप सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर दोगे पर हर खर्चा बिजनेस का नहीं होता ना हर खर्चा बिजनेस का नहीं होता आप तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट कर दोगे उससे आपका रियल बिजनेस प्रॉफिट थोड़ी निकलेगा छोटा सा एग्जांपल देता हूं साहब मान लीजिए एक बनिया दुकान में बैठा है राइट उसकी बीवी अपने बच्चे के साथ आई बोलती है जी सुनते हो ये मुन्ना की फीस भरनी है कल स्कूल में आदमी ने गले से पैसे निकाल के दे दिए अकाउंटेंट ने क्या कर दिया फीस पेड फॉर स्टूडेंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड फीस पेड फॉर चाइल्ड अगर पीएनएल में आपको डेबिट दिख रहा है लॉजिकली होना तो ये ड्राइंग चाहिए था होना क्या चाहिए था ड्राइंग अगर हम अकाउंट के रियल सेंस की बात करें तो पर आपने तो एक्सपेंसेस कर दिए एन एल को डेबिट कर दिए पर क्या जो प्रॉफिट शो हो रहा होगा वो रियल बिजनेस प्रॉफिट शो हो रहा होगा नहीं ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा ना और आपको क्या चाहिए ऑडिट में ट्रू भी चाहिए और फेयर तो चाहिए ही समझ आ रही है बात तो आपको ट्रू एंड फेयर के लिए काम करना तो चाहिए ना बराबर है कि नहीं अच्छा दूसरी चीज दूसरी चीज आप सोच के देखिए वही मुन्ना आया ए जी बच्चे को फटाके चाहिए दिवाली में बात समझ ना आपने फटाखे लेके दे दिए बिजनेस को एक्सपेंसेस बुक कर दिया ए जी माइके जाना है मेरे को आपने पैसे निकाल के टिकट बुक कर दी पैसा बिजनेस से चले गया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने डेबिट कर दिया पर एनालाइज तो करना पड़ेगा इज दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस और अदर परपज बिजनेस के लिए है तो धंधे से माइनस होना चाहिए ट्रू एंड फेयर पी निकालने के लिए पर अगर वो खर्चा धंधे का नहीं है तो आपके प्रॉफिट में रियली really एडबैक होना चाहिए टू एक्चुअली एक्सपेंस हुआ होगा बट टैक्सिंग द प्रॉफिट इज द ओवरऑल मोटो यस तो पीजीपीपी में आप ये जो एडबैक करते हैं आप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं एओ के भूमिका में और आप ऐसे खर्चे को डिसलाउ कर देते हैं जो खर्चे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है टू टैक्स द ट्रू प्रॉफिट टू टैक्स द ट्रू प्रॉफिट एंड योर अकाउंट्स एज फार एज इनकम टैक्स ट्रू एंड फेयर व्यू शोज अ बोलो बेटा ट्रू एंड फेयर व्यू आर यू गेटिंग चलिए ध्यान से सुनते हैं ध्यान से सुनते हैं इनकम तीन अलग अलग सेक्शन में लिखी है अब एक्सपेंसेज कुछ एक्सपेंसेज जो है ये अलाउड है और ये लिखे हैं सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सेवन वन के अंदर में तो कुछ एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ने अपफ्रंटली अलाउ करके रखे हैं जो 30 से 37 सेवन वन के अंदर में लिखे हैं फिर कुछ एक्सपेंसेस है जो अलाउड नहीं है मतलब टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसकी इजाजत नहीं देता जो 38 से 44 तक लिखे हुए हैं डन इनकम यहां यहां लिखी है एक्सपेंसेस यहां यहां लिखी है ये माइंड क्लियर है ठीक है अब चालू करते हैं एक एक चीज को सबसे पहले चालू करते हैं धारा ट्वेंटी एट धारा ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ओनली इंपॉर्टेंट कवर्ड हियर रेस्ट रेफर नोट्स अब देखो सेक्शन ट्वेंटी एट विल नेवर बी आज इन दी एग्जामिनेशन ट्वेंटी एट कभी एग्जाम में नहीं पूछने वाला इसके सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट अपने को वहां पर डालने के हैं गेटिंग द पॉइंट यस चलो आओ चार्जिंग सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी एट अब ट्वेंटी एट के अंदर में क्या क्या कवर है देखो भाई ट्वेंटी एट के अंदर में क्या क्या कवर्ड है नोट साथ, साथ में रखना ठीक है जो काम की चीज नहीं है वो नहीं लिखेंगे पहला सेक्शन 28 सेक्शन 28 लिस्ट देता है कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है सिर्फ ध्यान से इसके कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहला एनी प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन किसी भी तरह के बिजनेस किसी भी तरीके के प्रोफेशन से आने वाली इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है अब बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है आई I मीन mean, किसी भी चीज का हो सकता है समझ में आई बात दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है यह लाइसेंस आपको राइट टू बिजनेस देता है लाइसेंस ये, ये आपको क्या देता है बेटा राइट टू बिजनेस अब यह लाइसेंस अगर आपने सेल कर दिया मतलब टेक्निकली आप राइट टू डू द बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं इससे आने वाला इनकम कौन सा इनकम बनना चाहिए पीजीबीपी विल नेवर बी आज थर्ड पॉइंट कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक ये पूछेगा कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट ऑब्लिक ड्यूटी, ड्रॉबैक कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट को सीधे शब्दों में कहा जाता है सब्सिडी। इसको सीधे शब्दों में क्या कहा जाता है सब्सिडी। दैट इज सब्सिडी अब सब्सिडी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है यस yes, ये मिलती है दो चीजें करने के लिए अगेंस्ट द बिजनेस और अगेंस्ट एसेट्स बराबर है अब बिजनेस करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या कर रही है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया बिजनेस प्रमोट करने के लिए क्या दे रही है सब्सिडी गवर्नमेंट क्या दे रही है बेटा सब्सिडी दे रही है आपको ये जो सब्सिडी मिल रहा है ये बिजनेस को स्टार्ट या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मिल रहा है जैसे अगर आप मराठी मूवी बनाते हैं तो आपको 70 परसेंट का सब्सिडी मिलता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से यस yes? सो so अगर आपने एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है सेवेंटी लाख रुपीज ये सब्सिडी के फॉर्म में आपको आता है सो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द रीजनल लैंग्वेज यस ये बिजनेस करने के लिए सब्सिडी मिला है इस मस्ट बी टैक्सेबल इन पी बी तो सब्सिडी रिसीव्ड रिसीवी टैक्सीबल एंड ऑफ पीजीबीपी लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस करने के लिए आप ह्यूज मशीन फॉरेन से मंगाते हैं बराबर है ये जो ह्यूज मशीन ताकि आप इंडिया में प्रोडक्शन कर सके और इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना सके इसके लिए आपको असेट में से सब्सिडी दी जाती है ताकि एसेट का कॉस्ट आपका कम हो जाए उतना फाइनेंशियल बर्डन आप पे कम आ जाए अब असेट के अगेंस्ट में मिल रहा है तो याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ दी असेट मस्ट बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट तो इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ Then, फिर एक आता है ड्यूटी ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है पे नाउ क्लेम रिफंड लेटर ठीक है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देती है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं पहले आप पे कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है और बाद में जब आप एक्सपोर्ट कर देते हैं एंड एवरी डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स आर क्लियर तो उसके बाद में सरकार आपको क्या करती है जितनी ड्यूटी आपने पे किया उसका रिफंड दे देती है तो ड्यूटी जब आपने पे किया होगा कस्टम ड्यूटी आपने पी एन एल में डेबिट किया होगा बिंग बिजनेस एक्सपेंडिचर जब ड्यूटी का रिफंड आ गया क्या यह पीजीबीपी माना जानना चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक इज इनकम क्योंकि पहले आपने उसको क्या क्लेम किया होगा एक्सपेंसेस बराबर है मालिक तो थर्ड पॉइंट

मन इंश्योरेंस पॉलिसी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव्ड बाय पर्सन रिसीव बाय कंपनी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है बिजनेस के कोई की मैन है इनके अगेंस्ट में एक पॉलिसी ली जाती है क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो हो सकता है शेयर प्राइस एंड बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाए अब छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं यस yes, कभी ऐसा ना हो पर जो सत्य है वो सत्य है रतन टाटा जी को अगर कुछ भी होता है तो डोंट यू थिंक जिस दिन भी ये होगा टाटा के शेयर्स उस दिन बहुत टर्म होंगे एंड कंपनी पे इसके बिजनेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अब इस केस में इंश्योरेंस करा के रखा जाता है ऐसे की मैन का मुकेश अंबानी जी का की मैन करवाया होगा अडानी जी का भी की मैन करवा के रखा होगा हजिम प्रेम जी का भी की मैन इंश्योरेंस करवा के रखा होगा तो बिजनेस के की मैन का क्या किया जाता है इंश्योरेंस किया जाता है अब ये एक अग्रीमेंट होता है कि की कीमैन का पैसा जो है ये रखेगा कौन जब भी मेच्योर होगा कई बार ऐसा होता है जो एम्प्लॉई है उसको दे दिया जाता है कई बार ऐसा होता है कंपनी पैसा रख लेती है और कई बार उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है या कई बार ऑल ऑफ भी होता है दौ सौ करोड़ आया तो हंड्रेड करोड़ विल बी बाय कंपनी करोड़ करोड़ विल बी केप 50 करोड़ विल बी बी बाय बाय देम देम ऐसा भी होता है अब जिसके ऊपर कीमेन है उसी को मिल जाए तो इट मस्ट बी टैक्सेबल इन सैलरी कंपनी को मिल जाए इट मस्ट बी टैक्सेबल इन पीजीबीपी और लीगल हेयर को मिल जाए इट मस्ट बी टैक्सेबल इन आई एफ ओ इधर शब्दों में कीमेन टैक्सेबल है कौन से हेड में टैक्सेबल है उसके लिए पढ़ाइए नेक्स्ट अब इधर देखिए वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इन टू मनी और नॉट इन कैश इन काइंड पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड अमेंडमेंट ओ माई गॉड ओ माई गॉड बेनिफिट और परक्विजिट आउट ऑफ बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशन ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ फोर आर मान लो एशियन पेंट्स ने शक्ति हार्डवेयर को एक टारगेट दिया और अगर ये टारगेट फुल हो जाता है तो इनको हम एक बैंकॉक का ट्रिप देंगे जिसका फेयर मार्केट वैल्यू रुपीज टू लैक होगा यस और नो यस अब पूरा इंटरलिंकिंग कर रहा हूं ध्यान से समझना यही इंटरलिंकिंग आपको फाइनल में भी कराऊंगा अभी से सीखो इंटरलिंकिंग करना।, है, है। करना इनके लिए इनकम इज इट अलाउड और डिसअलाउड अलाउड क्योंकि इनके लिए तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो दिस विल बी अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी सेवन वन शिव शक्ति हार्डवेयर को बेनिफिट मिल रहा है इन काइंड आउट ऑफ अ बिजनेस आउट ऑफ अ बिजनेस दिस इज अ बेनिफिट इन काइंड मतलब परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस यस शिवशक्ति हार्डवेयर के लिए सेक्शन 28 में ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल समझ में आ रही है बात एशियन पेंट्स क्योंकि शिवशक्ति हार्डवेयर को कोई बेनिफिट दे रहा है विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर एशियन पेंट्स क्या करेगा टी डी एस अंडर सेक्शन वन नाइन्टी फोर आर मैंने ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया है वहाँ इंटरलिंकिंग ऑलरेडी कराई है यहाँ आके दोबारा करवा रहा हूँ तो इनके लिए एक्सपेंसेस है इनके लिए टैक्सीबिलिटी अंडर पी जी बी पी अभी हम ये पढ़ रहे हैं और ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए पढ़ ला करो और तो आपके फास्ट ट्रैक बैच बहुत लोगों के रेगुलर बैच से भी ज़्यादा है थैंक यू बेटा ऑल रेस्पेक्ट नहीं बेटा छोटे मका कभी भी बन जाते हैं आज बनने को टाइम लगता है सर तो आज आपका पॉडकास्ट आने वाला ना हाँ आज पॉडकास्ट आने यही है उसमें हमने अपना अपना चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देने का मेरे पॉडकास्ट से आपको कुछ नहीं मिल सकता दो प्रॉब्लम पीजीबीपी के सॉल्व करके आपका खुद का पॉडकास्ट जीवन में बनने की कैपेबिलिटी मिलेगी वो उनके लिए है जो फाउंडेशन में है उनके लिए है जिनका आर्टिकलशिप चल रहा और बहुत खाली है जीवन में तुमने चुपचाप अपना अपना काम करने का पढ़ाई करने का कुछ भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो तुम्हारा टाइम बहुत क्रूशियल है और मेरे लाइफ की स्टोरी से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता समझ में आई बात सुन बढ़ो आगे नेक्स्ट एनी इंटर सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम अ फर्म टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड वाह भाई वाह इधर देखो सुनते हो सैलरी टू पार्टनर चलो फुल इंटरलिंकिंग करेंगे रुक वापस इधर देख वापस इधर देख फर्म तुझे क्या क्या पे करती है एक फर्म पार्टनर को क्या क्या पे करती है शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर और क्या पे करती है रेमनोरेशन और क्या पे करती है इंटरेस्ट पे करती है क्या ब्रो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है अच्छा कमीशन भी तो पे होता होगा बराबर मतलब एक फर्म पार्टनर को मोटे मोटे तौर पे चार चीजें देती है फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस है इज इट अलाउड और नॉट अलाउड अलाउड कितना अलाउड है अंडर सेक्शन फोर्टी बी में लिखा है फिर भी याद दिलाता हूँ फोर्टी बी रफली नाइन्टी परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट अप टू रुपीज थ्री लैख बैलेंस पे सिक्सटी परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट और इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बहुत सही राह पे हैं पार्टनर को ये चार चीजें मिल रही है पार्टनर के हाथ में ये टैक्सेबल है इन पीजीबीपी सर क्यों पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी में टैक्सेबल क्यों है पार्टनर इज नॉट ए एम्प्लॉय सैलरी में तो टैक्स हो नहीं सकता लेकिन ये तीन चीजें ही सिर्फ क्या होने वाली है टैक्सेबल केयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये क्या है एग्जम सेक्शन टेन टू ए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जम्ड वेयर एज एवरी अदर थिंग इज टैक्सेबल, सर टैक्सेबल है तो ट्वेंटी एट में सेक्शन ट्वेंटी एट तो सेक्शन ट्वेंटी एट के अंदर में टैक्सेबल है चेक कर लीजिएगा Is that done? कभी तो हाँ बोलो जी इसके बाद नॉन कंपिटेंट फीस देखिए कई बार कुछ ना करने के लिए भी पैसे मिलते हैं याद है ना उसको हम क्या कहते हैं नॉन कंपीट फीस यस नॉन कंपीट फीस अगर आपको मिली है टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी क्योंकि आप राइट टू बिजनेस अवॉइड कर रहे हैं नेक्स्ट इनकम डिराइव बाई ट्रेड प्रोफेशन सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म टू इट्स मेंबर स्पेसिफिक सर्विसेज अब देखिए रोटरी क्लब के मेंबर बनते हैं सब लोग बराबर है उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है ये होती है वो होती है सब अलग बात है अब मान लीजिए वन ऑफ द मेंबर को अपनी बेटी की शादी करानी है वो रोटरी क्लब के पास जाता है स्पेसिफिक फीस देता है और वहां के लिए वो हॉल बुक कर लेता है दिस इज अ स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म टू इट्स मेंबर दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रोटरी क्लब अंडर द हेड ऑफ दीजीपी समझ में आई बात तो इनकम फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर्ड टू इट्स मेंबर नेक्स्ट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट ओके ई कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट आपको कुछ रिकॉल करा देता हूं अगर कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है तो हम सेक्शन फोर्टी फाइव टू अप्लाई करते थे याद आ रहा है ना यही अगर स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल असेट में जर्नल एंट्री क्या पास करोगे भैया वट इज द जर्नल एंट्री टू कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड इंटू कैपिटल असेट स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट टू उल्टा होना चाहिए बोला जर्नल एंट्री कैपिटल एसेट अकाउंट डेबिट टू टू इन्वेंट्री हाँ स्टॉक इन्वेंट्री ठीक है अमाउंट शेयर मार्केट वैल्यू बराबर है ना एक मिनट अकाउंट्स में तो स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू लेते नहीं कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर ले रहे तो तुम फेयर मार्केट पे कैसे उधर एंट्री पास कर दोगे अकाउंट बहुत पक्का है ना तुम्हारा बस ये एहसास दे रहा था स्टॉक को काई पे वैल्यू कर रहे तुम कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर और जर्नल एंट्री पास करते हो क्या डाल रहे फेयर मार्केट वैल्यू क्या बेटा हाँ अकाउंट बहुत पक्का है तुम्हारा राइट अरे जबरदस्त आदमी तू ना जितना स्टॉक का वैल्यू है ना उतना ही तू अकाउंट्स में करता है यहाँ टैक्स करते वक्त फेयर मार्केट वैल्यू करता है यहां टैक्स करते वक्त फेयर मार्केट वैल्यू करता है अकाउंट्स में जो जो वैल्यू पे तूने स्टॉक कंसिडर किया है तो वही स्टॉक को लेता है समझ में आया क्या ये सो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड उस पर फोर्टीफाइड टू आएगा स्टॉक इन ट्रेड जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट होगा इस इसपे फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा टैक्सेबल सुनना कुछ और रिकॉल करवाता हूँ फ्यूचर में कभी तो जाके ये कैपिटल असेट सेल होगा ट वैल्यू टैक्सड इन पी जी बी पी टू अवॉइड डबल टैक्सेशन तो फ्यूचर में जाके जब इस कैपिटल असेट को सेल करेगा ऐसा एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है इंटरलिंकिंग वाला डन चलो लिख लिया आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट इन रिलेशन टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए किसी हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लेट्स से हमने एक बुक वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि यू शुड प्रोवाइड अस फास्ट ट्रैक बुक मैक्स बाय दिस पर्टिकुलर डेट फेलिंग विथ यू विल बी चार्ज अ पेनल्टी ऑफ फिफ्टी थाउजेंड बुक्स प्रोवाइड नहीं कर पाया वी रिसीव द पेनल्टी वेदर दैट अमाउंट इज टैक्सीबल इन पी जी बी पी येस टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए भी अगर कोई कम्पनसेशन मिलता है दैट कम्पनसेशन इज टैक्सीबल पी जी बी पी सेल ऑफ एसेट्स हुट इज अलाउड एज डिडक्शन ठीक है इसको आगे समझेंगे ये लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिए डन ए मालिक चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर बराबर यहां से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की ओर द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन थर्टी एंड सेक्शन थर्टी वन ऑन बिल्डिंग एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑब्लिक फर्नीचर ठीक है देर आर टू सेक्शन सेक्शन थर्टी सेक्शन थर्टी वन one talk about expenses on building another talk about expenses on plant and machinery and furniture right understand this ab building hai business purpose ke liye use ho rahi hogi तो हम technically उस पर क्या खर्चा कर रहे होंगे अब आप मुझे सोच के बताइए अगर ये class है जो मेरे business के लिए use हो रहा होगा tentatively एकत्व में इस पर क्या खर्चा कर रहा होगा एक हम इस पे रेंट दे रहे होंगे एक इसका टैक्सेस भर रहे होंगे म्युनिसिपल टैक्सेस हो सकता है इस प्रीमिसिस को हम इंश्योर करके रखें एंड एट द एंड हम इस पे क्या कर सकते हैं रिपेयर्स मतलब टेक्निकली चार तरीके के खर्चे हैं जो एज अ बिजनेसमैन में मेरे बिजनेस प्रीमिसिस पे खर्चा करता हूं पहले लिखना मत पहले रेंट दूसरा रिपेयर्स तीसरा टैक्सेस चौथा इंश्योरेंस प्रीमियम एवरीबॉडी ये चार खर्चे होते हैं जो मैं बिजनेस के ऊपर खर्चा करता हूँ ठीक है जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ बताइए तो इट मस्ट बी अलाउड बराबर है टैक्सेज में पे कर रहा हूं इट मस्ट बी अलाउड इंश्योरेंस प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ इट मस्ट बी अलाउड वॉट अबाउट रिपेयर अब रिपेयर दो तरीके के होते हैं रिपेयर्स के ऊपर हम एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं लेट मी गिव एन एग्जांपल रिपेयर्स मतलब मान लीजिए अगर कोई टाइल टूट गई हमने उस टाइल का रिपेयर करवा दिया छोटा मोटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमने यहां पे देखा कि भैया क्लास जो है ये एक क्लास को दो क्लास बनाया जा सकता है बीच में दीवार खड़ी कर दी नाउ दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर यू गेटिंग द पॉइंट अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या होना चाहिए या इस पर डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए इस बात का जवाब हमें मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब मैं जाता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एसेट एसेट शुड बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ याद आ रहा है तुम लोग को तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं एसेट पे इनकर कर रहा हूँ वो तो लॉजिकली कॉस्ट में एड होनी चाहिए यानी यहाँ पे जो रिपेयर्स है ये कौन सी होनी चाहिए रेवेन्यू रिपेयर्स क्या होंगी बेटा अलाउड तो दो बातें जो मेरे को समझनी है पहला कैपिटल रिपेयर्स अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा डिसअलाउ बराबर है दूसरा इफ बिल्डिंग यूज फॉर पर्सनल पर्पस ये भी क्या हो जाएगा बेटा डिसअलाउ एवरी तो अगर पर्सनल यूज के लिए है तब तो डिडक्शन मिलना ही नहीं चाहिए बिल्डिंग अगर बिजनेस यूज के लिए है तो इसका जो रेंट दे रहा हूं रिपेयर्स कर रहा हूं टैक्सेस दे रहा हूं इंश्योरेंस दे रहा हूं एवरीथिंग मस्ट बी अलाउड एज डिडक्शन क्लियर है यस yes, लिख सकते हो आप ठीक उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है मैं रेंट दे दू हो सकता है मैं इसमें रिपेयर्स करवाऊं और हो सकता है मैं इसका क्या पे करूँ इंश्योरेंस प्रीमियम रेंट इसका अलाउड होगा फॉर एग्जाम्पल मुझे गुड्स डिलीवर करना है एक ऑटो किराए पे ले लिया प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है मैं अपनी मशीन को इंश्योर करके रखता हूँ रिपेयर्स में कौन सा रिपेयर्स अलाउड होगा रेवेन्यू रिपेयर्स क्या किया जाएगा बेटा अलाउ बाकी ये दो नोट यहाँ पे भी क्या रहेगी सेम बाकी ये दो नोट यहाँ पे भी क्या रहेगी सेम इज़ दैट डन चलिए और दो सेक्शन कंप्लीट हो गए सर हमारे थर्टी थर्टी वन आ जाओ बढ़ते हैं आगे तो और भाई भाई सेक्शन है सर सेक्शन चलिए एक सेक्शन पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन थर्टी एट पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंसेस आप जरा सोच के देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बिल्डिंग जो है ये मैं पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर, कर, कर रहा हूं पार्टली पर्सनल के लिए यूज कर रहा हूं कार मैं पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं मोबाइल मैं पार्टली पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं पार्टली बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूं यसो नो यस तो क्या होता है कई बार एक टैक्स पेयर डिस्गाइज करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक्सपेंडिचर बिजनेस का बता के जबकि वो यूज पर्सनल पर्पज कर रहा होता है या बोथ यूज कर रहा होता है लेट मी गिव यू एन मान लीजिए अगर विजय को कल 15 आई अगर विजय ने बुक किया मान के चलो ठीक है बोला कि यार चल एक 15 प्रो बुक करते हैं विजय लॉजिकली इसे किस नाम से लेना चाहेगा बिजनेस क्यों जीएसटी क्रेडिट सीधे शब्दों में दूसरों को जो चीज नब्बे हजार में पड़ रही मेरे को जीएसटी इनपुट के बाद सिक्सटी एट में पड़ेगी

अपन जी बता रहे मार्केट में ऐसा होता है समझ में आया इसीलिए आपके घर के मैक्सिमम असेट बिजनेस के नाम पे क्योंकि उसमें जीएसटी आता है समझ आ रही है बात अब ऐसे केस में क्या होता है मेरे बच्चे मेरे बच्चे एओ को जब भी ये समझ जाता है कि विजय जो है मोबाइल सिर्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा बहुत कुछ करता है विजय इस फोन पर्सनल अदर पर्पज अब एओ के पास सेक्शन 38 के अंदर में पावर है आप जब अभी मेरे साथ फाइनल के अंदर में आएंगे शायद अगले साल तक के पहुंच जाओ तुम जब आप फाइनल में आएंगे तब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर क्या पढ़ेंगे हम असेसमेंट प्रोसीजर उस असेसमेंट प्रोसीजर में आपको पता चलता है कैसे ए एक असेट को दो पार्ट में तोड़ता है पर्सनल को अलग करता बिजनेस को अलग करता ये फाइनल का पार्ट है आपके यस yes? अब सेक्शन 38 के अंदर में एओ के पास पावर है बिजनेस एक्सपेंसेस को वो अलाउ कर देगा पर्सनल एक्सपेंसेस को वो डिसअलाउ कर देगा मेक सेंस पर्सनल एक्सपेंसेस उसको क्या कर देगा बेटा जो बिजनेस एक्सपेंसेस इसको क्या कर देगा अलाउ बाय बोलो बेटा एओ तो सेक्शन थर्टी एट के अंदर में एओ के पास पावर है वो बिजनेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को अलग अलग कर सकता है यस yes? ना बेटा फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन डू आई नीड टू टेल यू इट इज इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो एक पूरा चैप्टर होना चाहिए यह सर डप्रीसीशन पढ़ते वक्त कितने सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं आपको थर्टी टू पढ़ने पड़ते हैं थर्टी टू वन वन पढ़ना पड़ता है थर्टी टू वन टू ए पढ़ना पड़ता है फोर्टी थ्री वन पढ़ना पड़ता है फोटी थ्री सिक्स पढ़ना पड़ता है थर्टी टू टू पढ़ना पड़ता है इलेवन पढ़ना पड़ता है तो में इतने सेक्शन एंटर लेंगे फोर्टी एट थ्री भी इसके साथ ही पढ़ना पड़ता है इतने सेक्शन पढ़ोगे तो डेप्रीसिएशन समझ आएगा बराबर है वाह बेटे वाह अब पहले एक डिफरेंस समझ लीजिए वी ऑल नो एज पर अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स इज डिफरेंट लेट मी स्टिल रिवाइज फॉर यू वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसी इन अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स तो मैं जानता हूं आपका नॉलेज अकाउंट्स में बहुत स्ट्रांग है टिल मैं ये रिवाइज कराना चाहता हूं डू यू अग्री अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन इज ऑन इंडिविजुअल असेट डेप्रीसिएशन इज ऑन इंडिविजुअल एसेट्स जबकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन इज ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स पक्की बात भाई बट डी ब्लॉक ऑफ एसेट सेक्शन टू इलेवन में लिखा है आगे के पेज पे जाना पेज पूरा लग जाएगा एक एक वर्ड को क्लियर करते जाएंगे सबसे पहले आता है ब्लॉक एक टेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक एक इनटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक इनटेंजिबल, डू नॉट इंक्लूड एनी वन गुडविल तो सेक्शन टू इलेवन हमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स बताता है दो तरीके के ब्लॉक है पहला ब्लॉक है टेंजिबल एसेट्स का दूसरा ब्लॉक है इंटेंजिबल एसेट्स का इनटेंजिबल्स के अंदर में गुडविल आता नहीं मतलब गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता नहीं चाहे वो परचेज गुडविल हो चाहे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता नहीं टेंजिबल के अंदर में तीन चीजें आती है पहला आता है बिल्डिंग दूसरा आता है फर्नीचर और तीसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी ये है आपके सर ब्लॉक सेक्शन टू इलेवन इतने ही आपके ब्लॉक है आपकी राइटिंग तो सही में अच्छी हो गई आज मैं अच्छे मूड में हूं तो सर मतलब इसका कुछ नहीं चलो तो भैया ये हो गया ब्लॉक ऑफ द एसेट हाँ जी यहां पे आपको जो डेप्रीसिएशन मिलता है वो मिलता है ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स याद आ रहा है क्या यहां पे जो आपको डेप्रीसिएशन मिलता है वो मिलता है ऑन द डब्ल्यू डी वी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट कहीं पे मिलता है बोलो जल्दी से डब्ल्यू डीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ ऑसेट्स पे मिलता है अब डब्ल्यू डीवी लिखा है सेक्शन फोर्टी थ्री सब सेक्शन में आगे के पेज पर पे जाइए फोर्टी थ्री सिक्स डब्ल्यू डीवी यात्री गण कृपया ध्यान दें फोर्टी थ्री सिक्स डब्ल्यू डीवी की बात करता है डब्ल्यू डीवी क्या होता है एनी वन जल्दी से बताइए डब्ल्यू डीवी कैसे निकालते हैं सबसे पहले बोलते जाओ बोलते जाओ सही जा रहे हो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू डीवी ओपनिंग डब्ल्यू डीवी में क्या ऐड करोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड इसमें से क्या माइनस करोगे सेल डिस्कार डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर कुछ एसेट्स बेचा होगा कुछ होगा ये आएगा आपका क्लोजिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू पे आपको क्या मिलेगा डिप्रिसिएशन सर आई लव यू आई लव यू टू बैन रेंज रोवर हमें दे दो चलो सर जीएसटी भी पढ़ा दो हाँ मैं क्या बोलता हूँ अभी पहले जीएसटी लेता फिर जैसी डीटी खत्म होता वैसे कॉस्टिंग ले लेता फिर जीएसटी पढ़ा देता फिर अकाउंट्स फिर एफएम फिर एसएम फिर ऑडिट फिर लॉ बराबर है ना और अंत में तुम्हारे भी हाँ पे पेपर लिख के आ जाता है ये ज़्यादा बेटर तरीका है ना ये यही कर लेता मैं कुछ भी आ जाओ हा तीसरा भाई जी तीसरा देर इज नो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप देखिए अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन ओनर्स एस्टिमेशन डेप्रिसिएशन के जो रेट है ये क्या है बेटा प्रिस्क्राइब यहां पे तो रेट सीधे सीधे बताए हुए हैं क्या है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का जो टेबल है ना ये बहुत बड़ा है ठीक है इसमें से जो पूछा जाता है वो क्लियर कट यहां पे लिख रहा हूं बचावा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का टेबल देखना है ओके मैं थैंक यू सबसे पहले आता है बिल्डिंग ये तो ब्लॉक का पहला पार्ट है ठीक है बिल्डिंग का जनरल रेट एनी वन टेन परसेंट स्टाफ क्वार्टर फाइव परसेंट बी बी बोलो बेटा फर्नीचर कितना परसेंट टेन इंटेंजिबल कितना परसेंट बेटा ट्वेंटी फाइव और अंत में आता है प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में जनरल रेट एनी वन फिफ्टीन परसेंट बुक्स फोर्टी परसेंट बुक्स ऑब्लिक कंप्यूटर कर दूं ठीक है बुक्स ऑब्लिक कंप्यूटर फोर्टी परसेंट इज आर डन यह जनरल रेट अब इधर आओ नीचे जाओ नोट्स के अंदर में अभी ही डेप्रीसी रेट देख के खत्म करो मैंने जो आपको डेप्रीसी की रेट बताए ये जनरल रेट है आपके नोट्स में डेप्रीसी के रेट दिख रहे हैं एक बार अभी इसे तुरंत रीड कर ले और मैटर खत्म करें. मैंने आपको जो बताया वो एग्जाम में आने वाली चीज है तुरंत देख लो बेटा ठीक है इतनी बड़ी लिस्ट में लॉजिकली तुमको कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज तक के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन आए हैं वो उतनी ही लिस्ट पे आए हैं जितनी मैंने आपको लिखा के दिए टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इज दैट डन देखिए हम एक एक चीज को तोड़े जा रहे हैं फोर्थ क्या डिफरेंस है सर सर फोर्थ अकाउंट्स और यहां क्या डिफरेंस है हाँ जी देर इज नो कंसेप्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन याद है हम अकाउंट्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ते इन डी टी we have additional depreciation in DT we have additional depreciation अच्छा जी सर आई है अगले पेज पे सेक्शन पहले पढ़ लेते 32 एप्रीसिएशन पहला एसेसी मस्ट बी ओनर ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर एचपी में नहीं हो तुम्हें इन केस ऑफ लीज लेस केस ऑफ एचपी आयर परचेसर तो डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए आपका असेसी होना बहुत जरूरी है ओनर होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट असेट्स मस्ट बी पुट टू यूज आपको जो डेप्रिसिएशन मिलता है ये पुट टू यूज से मिलता है आपको जो डेप्रीसिएशन मिलता है बोलो जल्दी पुट टू यूज से मिलता है बराबर है डेट ऑफ एक्विजिशन से नहीं पुट टू यूज से मिलता है पुट टू यूज इंक्लूड रेडी टू यूज हर चीज एक्चुअली यूज करके नहीं देखी जाती <laughs> अगर वो रेडी टू यूज भी है आप फिर डिशिएशन क्लेम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक सोफा लिया बिजनेस में बैठने के लिए क्लाइंट्स के लिए अभी उसको क्या एक्चुअली यूज करके देखोगे क्या गुड टू यूज इज रेडी टू यूज या फॉर दैट मैटर आपने ऑफिस टेबल लिया एक्चुअली उसको क्या ऑफिस में लगा के देखोगे क्या गुड टू यूज इज रेडी टू यूज फायर एस्टिंग्विशर लिया फायर को क्या आग लगा के देखो यूज़, फुट टू यूज इज रेडी टू यूज बराबर है तो हर एसेट को एक्चुअली भी यूज करके नहीं देखना होता घड़ी डिटर्जेंट के एड को इतना सीरियस नहीं लेते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ये हर जगह काम नहीं आता बराबर है कि नहीं तो फुट टू यूज इज रेडी टू यूज इन द ऑफ एक्विजिशन In the year of acquisition, used for more than 180 days, full depreciation. Used for less than 180 days, half depreciation. तुम लोग हंसो मत रे मेरे को भी हंसी आती है जिस साल असेट एक्वायर किया दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन बराबर है जिस साल असेट एक्वायर किया 180 डेज से ज्यादा यूज किया उसी साल में फुल डेप्रिसिएशन एल्स हाफ डेप्रिसिएशन अगले साल से पुट टू यूज इज रेडी टू यूज उस बेसिस पे फुल डेप्रिसिएशन एवरीबॉडी इसी से वापस डिफरेंस पे आओ फिफ्थ पॉइंट लिखो फिफ्थ पॉइंट लिखो डेप्रीसिएशन फ्रॉम डेप्रीसिएशन इज फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। डेप्रीसिएशन इज फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजेशन इन डिटी को डेप्रीसिएशन फ्रॉम पुट टू यूज अकाउंट में जिस दिन लिया उस दिन से ही डिप्रीसिएशन चालू हो जाता है डिटी में ऐसा नहीं जिस दिन एक्चुअली पुट टू यूज होगा वहां से आप डिप्रिसिएशन लेंगे में मूवमेंट इधर देखिए वापस से सेक्शन थर्टी टू में आते हैं सेक्शन थर्टी टू ने क्या कहा असेट मस्ट बी पुट टू यूज लास्ट वाले पॉइंट में लिखिए मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं दो मिनट पेन चार्ज हो रहा है वापस यहाँ पे लिखिए एप्रिसिएशन इज ऑन डब्ल्यूडीवी डी वी ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट सेट इज ऑन ब्लॉक ऑफ असैट एट द रेट प्रिस्क्राइब डब्ल्यू डीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ असैट एट द रेट प्रिस्क्राइब डब्ल्यू डीवी हम पढ़ के आ गए रेट प्रिस्क्राइब पढ़ के आ गए ये ओके डेप्रीसिएशन ऑन डब्ल्यू डी वी ऑफ द लॉक ऑफ एसिड्स एट द रेट प्रिस्क्राइब ठीक है ऊपर चलते हैं यहाँ पे क्या था बेटा डेप्रीसी फ्रॉम पुट टू यूज डेप्रीसिएशन इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन एवरीबॉडी अब हम चल रहे थे एडिशनल डेप्रीसिएशन की ओर सेक्शन थर्टी टू वन टू एडिशनल डिप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन देखिए एडिशनल डिप्रिसिएशन इधर देखो हम एक एक एक-एक सेक्शन एक को कट किए जा रहे हैं सब इंटरलिंकिंग वाले सेक्शन है पूरे एडिशनल डेप्रीसिएशन अभी क्यों है सर सिंपल से कुछ टाइप ऑफ असेसी को प्रमोट करने के लिए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा करें इसके लिए क्या किया गया आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया गया राइट असेसी मस्ट बी एंगेज इन एनी बोलते जाओ जल्दी मैन्यूफैक्चरिंग दूसरा एंगेज इन पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और सीबीडीटी तो एक और चीज कहता है प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन स्टेशनरी बराबर है बेटा गलती तेरी नहीं है <laughs> सेसी कौन होना चाहिए इट मस्ट बी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल एडिशनलिएशन अगर आपको लेना है मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत जरूरी है या तो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन होना चाहिए या तो प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन एक्वायर करना है दोस्तों न्यू प्लांट एंड मशीनरी Hmm, क्या एक्वायर करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट इंक्लूड देखिए आपको सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर क्या मिलेगा डिप्रिसिएशन मिलेगा राइट न्यू प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चीजें नहीं इंक्लूड होंगी पॉइंट नंबर एक दोस्तों सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी यस yes. जब क्लियर कट लिखा है न्यू तो सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा कितना जबरदस्त बात है प्लांट एंड मशीनरी विच इज इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस और गेस्ट हाउस देखिए क्या होता था कंपनी के जो डायरेक्टर थे ये एसी ले लेते थे इस एसी सी प्लांट एंड मशीनरी यस और लेके गेस्ट हाउस में लगा देते थे अरे मशीन गर्म हो जाए उसके लिए एसी लगा <laughs> ये, ये अलाउड रहेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन <laughs> आप उसको लेके गेस्ट हाउस में लगा रहे हैं इसको क्यों मिलना चाहिए सर <laughs> कुछ भी शिप एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट वहीकल फिर क्या फिर प्लांट एंड मशीनरी के नाम पे ये गाड़ी ले लेते थे शिप ले लेते थे एयरक्राफ्ट ले लेते थे नहीं वो अमीर लोग एनिमल मूवी में दिखाए एयरक्राफ्ट ले लिया बरेबर है कि नहीं एयरक्राफ्ट ले लिया सर ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज आ रहा कुछ भी नहीं ये सारे का सारे के ऊपर डेप्रिसिएशन तो मिल जाएगा सर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा होल कॉस्ट अलाउड एज डिडक्शन जिसका पूरा का पूरा कॉस्ट डिडक्शन बोल के अलाउड है जिसका पूरा का पूरा कॉस्ट अलाउड है डिडक्शन बोल के इस पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मैं याद दिला दूं इन सभी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा फॉर एग्जांपल आपने सेकंड हैंड गाड़ी ले ली बराबर है अरे भाई दूसरों के लिए सेकंड हैंड है हमारे लिए तो फर्स्ट हैंड ही हो सकती है <laughs> अरे कैसी बातें कर रहे यार भाई मैंने तो सी डेप्रीसिएशन इज ऑन द यूज ऑफ एसेट सिंपल है तो इस पर डेप्रीसिएशन मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा हम एक्वायर्ड न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑन और आफ्टर बोलो बेटा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड फाइव तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अड़द्रड ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स तो आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा कितना बेटा ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ दट विल बी टेन परसेंट इफ यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज एंड Balance ten percent in subsequent year and balance ten percent in subsequent year. Then, sir. तो वापस से देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए भैया एस एससी मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए पावर जनरेशन में पब्लिकेशन में होना चाहिए उसने न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेनी है प्लांट एंड मशीनरी के अलावा किसी भी एसेट पे मिलने वाला नहीं है एक्वायर करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी 2005 के बाद तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा बीस परसेंट के हिसाब से अगर उसने एक सौ अस्सी दिन से कम यूज किया तो इस साल दस ही मिलेगा और बैलेंस दस कब मिलेगा बेटा अगले साल क्लियर है मालिक अच्छा Not available if opted for 115 BAC क्या तुम्हें याद है डिप्रिसिएशन मिल जाएगा एडिशनल डिप्रीसीशन नहीं मिलेगा भूलना नहीं है बेटा यहां तक का पार्ट फिर से पढ़ो चलो यहां तक का पार्ट फिर से पढ़ो फट से एडिशनल डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर अलाउड है यहाँ तक का डन है सर अच्छा जी सर फिर से आइए सिक्स पॉइंट देर आर मेनी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन ओनली डब्ल्यू डी वी एक्सेप्ट फॉर पावर जनरेशन याद आ रहेगा एक्सेप्ट फॉर पावर जनरेशन यूनिट डन पावर जनरेटिंग यूनिट वालों को छोड़ करके सभी डिप्रीसिएशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पे मिलेंगे डब्ल्यू तो चलो ये भी समझ लेते हैं डेप्रीसी इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट सेक्शन थर्टी टू वन वन इन केस ऑफ Power generating unit. Power generating unit. They have an option to be selected in the first year of business. ये जो पावर जनरेटिंग यूनिट है ना सर सर इनके पास एक ऑप्शन है कि भैया ऑप्शन क्या है क्लेम डिप्रीसीशन ऑन एस एल एम और क्लेम डिप्रीसीएशन ऑन डब्ल्यू डी वी पर यह ऑप्शन जो है ये हर साल सिलेक्ट नहीं हो सकता जिस साल फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है उसी साल सिलेक्ट हो सकता है जिस साल फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है उसी साल सेलेक्ट हो सकता है इज दट डन चलो तो पावर जनरेटिंग यूनिट जो है इनके पास एक ऑप्शन है वो डब्ल्यूडीवी भी क्लेम कर सकती है एस भी क्लेम कर सकती है लेकिन ये ऑप्शन उसको जिस साल फर्स्ट ईयर है ना बिजनेस का उसी साल सिलेक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है बराबर फर्दर इन फ्यूचर अगर आप सेल कर देते हैं एसेट्स ऑन विच एस एल एम इज क्लेम अब थोड़ा टैक्स ट्रीटमेंट अलग है पर ये टैक्स ट्रीटमेंट कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता फिर से पावर जनरेटिंग यूनिट का जो डेप्रिसिएशन है ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता मेहनत मत करना इधर यस अगर करनाट जो है जिन पे आपने एस एल एम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ये अगर कभी भी क्या हो जाता है सेल हो जाता है तो दो ही बात हो सकती है या तो आपको आएगा लॉस या तो आपको आएगा प्रॉफिट अगर लॉस आया तो so ये लॉस जो है लॉस इज कॉल्ड एज एनीवन, एक नया नाम मिलता है इसको टर्मिनल डेप्रीसिएशन इफ डेबिटेड टू पीएनएल, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन ये जो लॉस है इसे एक मस्त नया नाम दे देते टर्मिनल डेप्रिसिएशन जैसे बाल काटने वाला नाई स्लॉलोलॉ बाल काटने वाला नाई नया नाम मिल गया है सीधे शब्दों में राइट मालिश वाले भैया स्पा फैंसी ने में कुछ नहीं है लॉस आया पी एन एल को डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड डेबिट हुआ है अलाउड एज डिडक्शन विषय खत्म यही अगर प्रॉफिट हुआ है अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड पी जीबीपी माना जाएगा अमाउंट अबव द कॉस्ट ऑफ एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। जाएगाबल एसेट्स नेचर ऑफ गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, है ना तो अगर वो असेट जिसके ऊपर एस एल एम क्लेम किया है इसको फ्यूचर में कभी भी सेल किया लॉस आया लॉस को आप नाम दे दोगे टर्मिनल टर्मिनलिएशन और यही अगर प्रॉफिट में सेल किया तो अप टू एन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम इसे पीजीबीपी में डाला जाएगा इसे कहा जाता है बैलेंसिंग चार्ज इसको भी एक नया नाम मिल जाता है बैलेंसिंग चार्ज बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज। पीजीबीपी में टैक्सीबल होगा मतलब आज तक आपने जितना डेप्रीसिएशन क्लेम किया है ये पीजीबीपी में जाएगा और भाई और बहनों टैक्स होगा कहां टैक्स होगा बोले जल्दी से फोर्टी वन डीम्ड एज पीजीबीपी इट इज डीम्ड एज पीजीबीपी चलो डेप्रीसिएशन ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट पढ़ो आपस से नो no. किरण देख रहे हो हम एक टेबल बना रहे हैं और टेबल से एक एक एक, एक सेक्शन को गैप कर रहे हैं बराबर है आ जाइए वापस डिफरेंस पे देर इज नो कंसेप्ट ऑफ अनएब्जॉर्बड डेप्रिसिएशन हमने अकाउंट्स में कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अनएब्जॉर्बड डेप्रिसिएशन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ अनएब्सॉर्बड एप्रीसिएशन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड एप्रीसिएशन आप नेक्स्ट हेडिंग समझ गए मेरे दोस्त सेक्शन थर्टी टू सबसेक्शन टूबे अनएब्जॉर्ब्ड एप्रीसिएशन कई बार ना डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा क्लेम नहीं होता अकाउंट्स में आप देखोगे ये लॉस ही होगा लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ये बनाना मत सिर्फ समझना मान लो आपका इनकम ये आपने पीएल बनाया है मान लो आपका इनकम दिख रहा है टेन लाख और आपने बहुत सारे एसेट्स एक्वायर किए जिसके कारण आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है बराबर है डेबिटेड टू पी एन एल आफ्टर ऑल कैलकुलेशन एट्रा अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे टेक्निकली आपको लॉस दिख रहा है बराबर है कि नहीं यहां अब आपको क्या दिख रहा है लॉस अब लॉस कितने का दिख रहा है आपको बताइए आपको लॉस कितने का दिख रहा है बोलो जल्दी से पांच लाख रुपए का आपको लॉस दिख रहा है अब ये जो पांच लाख का लॉस है ये अकाउंट्स के हिसाब से लॉस है पर इनकम टैक्स के हिसाब से ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ये क्या है एब्सॉर्ब एप्रीसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन विच इज नॉट फुल्ली एब्सॉर्ब बाई दॉफिट अब इस अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन का क्या किया जाता है एनी वन अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन का क्या किया जाता है अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स नॉट एट ईयर्स इट्स नॉट अ बिजनेस लॉस अनएब्सॉर्ब अप्रिसशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है वो बिजनेस लॉस है जो आठ साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेट ऑफ विथ एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी सेट ऑफ विथ एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी याद करो पीजीबीपी में से सैलरी लॉस सॉरी सैलरी इनकम से पीजीबीपी लॉस सेट ऑफ होता नहीं है कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ आर इज नॉट फाइल्ड याद रहा है क्या कुछ और नॉट फाइल्ड ऑन टाइम तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आर ओ आई फाइल किया नहीं किया टाइम पे फाइल नहीं किया कैरी फॉरवर्ड कर ले कोई तकलीफ नहीं इसके बाद में समझते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ कहीं पड़ा पड़ा सा याद करो सबसे पहले करंट ईयर डेप्रीसी फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फिर अनएबॉर्ब डेप्रीसिएशन याद है ना कुछ पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस होगा पीजीबीपी इनकम में से फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया जाएगा फिर अनएब्सॉर्ब एप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा इज <coughs> that डन एथ देख रहे हो सिर्फ डेप्रीसिएशन 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 ही चले जा रहे हैं हम अभी रिसेंटली हमने थर्टी टू टू भी खत्म किया बराबर है अब फोर्टी ए थ्री क्या है याद करके देखो कैश पेमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है याद आ रहा है क्या तुमको एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल अब अगर असेट भी दस हजार के ऊपर में कैश में एक्वायर किया तो उसका डिडक्शन मिलता नहीं अब एट्थ पॉइंट एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट डिफाइंड यहां पे एक्चुअल कॉस्ट इज डिफाइंड Yes or no? CS yes. Section Forty Three One Actual Cost Refer Notes. सेक्शन फोर्टी थ्री वन एक्चुअल कॉस्ट रेफर नोट्स। डन आ जाओ सबसे पहले पेज नंबर चार से आओ जितना डेप्रिसिएशन पड़ा फटाफट फटाफट हाईलाइट करेंगे याद करो एसेट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस क्या तुम्हें याद है इट मस्ट बी ओन्ड बाई एस एस सी डब्ल्यू डी वी ऑन द ब्लॉक ऑफ असेट एंड इट मजबी पुट टू यूज हम आगे बढ़े नो डेप्रीसिएशन ऑन गुडविल याद आ रहा है क्या इफ अट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन टी डेज ओनली फिफ्टी परसेंट ड्रीसिएशन अलाउड लीज के केस में लेस और हायर के केस में हायर परचेसर बराबर है ये डीम्ड बिल्डिंग हमारा बाकी है रुक जाना फिर हम आए थे डेप्रीसिएशन इज मैंडेटरी डब्ल्यू डी वी सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू इसमें से एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल डिस्कार्डेड फिर आएगा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी उस पर डेप्रीसिएशन एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली मान लीजिए मैंने एक एसेट्स लिया था पांच लाख रुपए का जिसको डब्ल्यू में ऐड कर दिया एक एसेट लिया था पांच लाख रुपए का जिसको डब्ल्यू में ऐड कर दिया ठीक है इस एसेट को मैंने पचास हजार में बेच दिया तो डब्ल्यू डी में से कितने माइनस करूं? पांच लाख चार लाख पचास हजार पचास हजार नन ऑफ दबाउ टू आई रिपीट माई क्वेश्चन एक एसेट था पांच लाख रुपए में लिया था डब्लू डी वी में पांच लाख रुपए ऐड कर दिया इस एसेट को मैं सेल कर रहा हूं, फिफ्टी थाउजेंड में मैं मेरे डब्लू डी में से कितना माइनस करूं? फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड फाइव लैख नन ऑफ द वॉ ओनली फिफ्टी यही चीज लिखी है सी आई टी वर्सेज केबल कॉरपोरेशन केस में वो असेट का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है इरिलेवेंट है आपने उसको बेचा कितने में है वो रिलेवेंट है तो अगर आपने 50,000 में बेचा है 50,000 आपको क्या करने हैं माइनस 50,000 आपको क्या करने बेटे माइनस इज दैट डन इधर आओ फिर हमने रेट्स ऑफ डेप्रीसिएशन भी खत्म कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में बिल्डिंग लाइफ स्टॉक फर्नीचर आता नहीं कंप्यूटर एक्सेसरीज पे भी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितना लगेगा बेटा फोर्टी परसेंट यस नेक्स्ट एक्चुअल कॉस्ट लिखा है उसके भी नीचे आइए एडिशनल डेप्रीसी जो हमने कर लिया मैन्यूफैक्चरिंग पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर टू थाउजेंड एंड फाइव न्यू मशीनरी डज नॉट इंक्लूड हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक सौ अस्सी दिन से ज़्यादा किया है एक सौ अस्सी दिन से कम किया है अकॉर्डिंगली हम प्रोविजन पढ़ चुके हैं सी एस बराबर है इसमें देखो लास्ट का एक पॉइंट लिखा है वो आप कट कर दीजिए और नीचे वाला पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डन एडिशनल वुड बी अलाउड इफ सी शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स स्कीम अंडर 115 एंड ये क्लियर है बढ़ते हैं आगे सेक्शन 32 टू टू अनएब्सॉर्ब कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर पहले करंट ईयर डेप्रीसिएशन फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फिर अनएब डेप्रीसिएशन अब जरा ध्यान से सुनिए 115 एंड के हिसाब से हो सकता है अनएब्सॉर्ड डेप्रीसिएशन में एडिशनल डेप्रीसिएशन भी हो पर एडिशनल डेप्रीसिएशन 115 एंड में से अलाउड नहीं है अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन भी हम उतना ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे जितना एक्सक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीसिएगा इफेक्ट एंड विच हेज नॉट बीन अलाउड टू बी सेट ऑफ करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट शेल बी मेड टू डब्ल्यू डीवी In prescribed manner, and WDV will be increased by unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off. Here, format to solve depreciation the depreciation case may can claim the depreciation on SLM basis to be exercised before filing the ROI for the first year in which it has started the generation. अगर लॉस अराइज हुआ इसे टर्मिनल डिप्रीसीशन कहेंगे प्रॉफिट अराइज हुआ जितना आपने डिप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम किया है उसे बैलेंस ही आ चार्ज कहेंगे और जितना एडिशनल आ रहा है उसे क्या कहेंगे बोलो जल्दी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अ डन अब आ जाते हैं एक्चुअल कॉस्ट पे ये वो था जो हम पूरा पढ़ के आ गए लास्ट पॉइंट बचा है कौन सा बेटा एक्चुअल कॉस्ट ये पढ़ लिया तो आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारे सेक्शन खत्म फिर सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है बराबर ना यू नीड अ ब्रेक थैंक यू ना बोलने के लिए अब आता है एक्चुअल कॉस्ट क्या करोगे ब्रेक लेके जबरदस्ती अच्छा चाय पीना है तुमको है ना पढ़ो एक्चुअल कॉस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जीरो रेलेवेंस पर फिर भी पढ़ना पड़ेगा अगर असेट परचेस की है परचेस वैल्यू प्लस जितने अदर कॉस्ट लगे होंगे टू मेक इट पुट टू यूज इसमें से अगर कुछ सेल डिस्कार डिमोलिश किया होगा सब्सिडी मिला होगा तो वो माइनस कर देना आपका क्या बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट रादर आपने किसी एसेट को दस हजार से ऊपर का भी एक्वायर किया है, तो उसका भी कॉस्ट क्या कर दोगे लेस ठीक है अच्छा जी फिर आता है असेट एक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च लेटर ऑन बिजनेस में लाए बाद में पढ़ेंगे थर्ड स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इन टू कैपिटल एसेट डोंट यू थिंक हम इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ते हैं फेयर मार्केट वैल्यू अगर असेट गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में लिया है डब्ल्यू डीवी इन हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर कैपिटल गेन कॉस्ट मीन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर महंगे में खरीदते थे लेट मी गिव यू अ ब्रीफ सिचुएशन मान लीजिए एकत्व में मुझे एसी लगाना है और वन ऑफ माय फ्रेंड इज एसी डीलर मैंने उसको फोन किया भाई राजू ए सी चाहिए भाई कितने भेजू बोल भाई कितने भेजू? भाई तू तो एक काम कर मेरे को दस ए सी चाहिए कॉस्ट कितना है भाई कॉस्ट तो चालीस हज़ार रुपये बहुत बढ़िया बिल बना के भेज साठ हज़ार पर ए सी का ठीक है साठ हज़ार रुपये के हिसाब से मैं तेरे को ट्रांसफ़र करूँगा चालीस तो हज़ार तेरे रख लेना और एक काम करना कमीशन के और दो हज़ार रुपये रख लेना और बचाओ पूरा कैश में दे देना ठीक है जीएसटी भी तेरे पास रख खुश रहे आपको समझा क्या किया हमने आपने वो मूवी देखी है वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई 40 पैसे के पेरू को 400 रुपए में खरीदना विजय का क्या फायदा हुआ भाई विजय को अब जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 60 पे मिलेगा विजय को जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 60 पे मिलेगा विजय की कैश भी जनरेट हो गई व्हाइट टू ब्लैक भी हो गया राजू का क्या फायदा उसको कई फर्क पड़ने वाला है मैंने उसको कमीशन दे दिया वो उसका एडजस्ट करते बैठे तो लोग सस्ती चीज को काय में खरीदते थे महंगे में खरीदते थे जानबूझ करके अगर एओ को पता चल गया ए ओ हैज राइट कि वो इसको वैल्यू निकाल करके टैक्स कर सकता है एसेट एक्वायर्ड एट अ हायर प्राइस एक्चुअल कॉस्ट टू बी डिटरमाइंड बाय एओ तो अगर आपने जानबूझ के हायर प्राइस पे खरीदा है ए उसको डिटरमाइन कर सकता है ठीक है अच्छा अब क्या होता था लोगों ने और तरीके ढूंढे टैक्स चोरी करने के लिए नेक्स्ट तरीका क्या था अससी असेट लेता था अब समझिए मैंने राजू से असेट लिया छः साल में उसे पंद्रह परसेंट के हिसाब से हंड्रेड परसेंट एप्रीशिएट कर दिया छः से सात साल में अब मैं इस असेट को सेल कर देता था किसको राजू को और राजू से रीएक्वायर करता था सेल एंड रीवा ट्रांजेक्शन डिटेल दिखाता था फिर से राजू को पैसे ट्रांसफर करता था बोलता था पार्टी का पैसा बाजू रख पूरा पैसा कैश दे और वही एसेट को फिर दोबारा खरीद डालता था और फिर डेप्रिसिएशन चालू एसेट वही सिर्फ बुक एंट्री पास होती थी मैं मैं एसेट को हटाता भी नहीं था इनकम टैक्स आके देख रहे हैं मैंने क्या किया मैं एसेट भी वही से रखता था सिर्फ एक एंट्री पास होती थी एसेट सोल्ड असेट एक्वायर्ड और फिर एप्रिसिएशन चालू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई साल बाद पता चला कि ये लोग तो इंसर्ट करी अट्स बिलोंग टू अस एस विच हेज बीन यूज्ड बाय हिम एंड ट्रांसफर्ड एंड रीएक्वायर्ड बाय हिम डब्लू डी वी एट दर और प्राइस पेड विच एवर इज लेस शुड बी बोला जितने में बेचा था और जितने में एक्वायर किया विचवर इज लोअर तेरी कॉस्ट मानेंगे लो पूरा टैक्स प्लानिंग घर का दबोच दिया अब लोगों ने क्या किया जैसे ये प्लानिंग फेल हुई लोग फिर भागे प्रभु इनने तो भैया सेल करके वापस री पे हमारे बैंड बजा दी उसने बोला री पे पर बैंड बजाई ना तुम री लीज पे ले लो एसेट जो तुमको बिलोंग करता था तुम उसको बेच दो और उससे लीज पे ले लो लीज रेंटल इज बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन चलो अब खरीदना नहीं किराए पे लेना बात समझ ना? खरीदना नहीं किराए पे लेना कहा कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया इन्होंने तो फिर एक बार हमें एक्वायर्ड बाय एसएससी क्लेम डेप्रिसिएशन एंड अट इज लीज बैक टू सच अदर पर्सन डब्ल्यू डीवी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जितने में तुमने बेचा था विच डब्ल्यू डीवी मानेंगे खत्म टैक्स प्लानिंग <laughs> नेक्स्ट इस पे थेरी क्वेश्चन आ सकता है बिल्डिंग पहले प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी और बाद में आपने उसे बिजनेस में ला लिया फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सेकेंड फ्लोर का ऑफिस है जिसमें मैं पहले पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था बाद में मैंने इसे एकत्व को रेंट पे दे दिया टू क्रिएट अ वर्चुअल ऑफिस देयर अज्यूम कीजिए ऐसा कोई सिचुएशन हुआ मतलब हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिजनेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है ना देखिए कैसे कैसे लोगों को क्या क्या दिमाग आता है जरूरत ही नहीं है दो ऑफिस की एक ही प्रमाइसिस में है ना जरूरत ही नहीं है इतना बड़ा काम तो हम कर ही नहीं रहे हम वर्ल्ड नंबर वन नहीं है ना सॉरी इंडिया नंबर वन नहीं है न <laughs> इतना बड़ा तो काम ही नहीं हमारा बराबर है <laughs> कि नहीं ये बात अलग है उनके लोगों के जितने प्रेजेंट है उतने हमारे एबसेंट हो जाते ये अलग विषय है पर आप समझो ना इतना बड़ा तो काम ही नहीं है तो हमने टैक्स प्लानिंग करी हमने टैक्स प्लानिंग किस तरह से करी हमने एक ऑफिस सेकंड फ्लोर पे रखा और उसको बोला वर्चुअल ऑफिस बराबर है पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया अब सोच पर्सनल प्रॉपर्टी थी मतलब प्रॉपर्टी बरे बरे, थी मतलब डेप्रीसिएशन तो था ही नहीं अब बिजनेस में ला लिया मैं क्या बोलूंगा एसेट इज यूज मेरे को क्या चाहिए डेप्रीसिएशन अब कई लोग इस तरह से टैक्स करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया ये लोग तो हमें <laughs> बेवकूफ बना रहे हैं अगर बिजनेस एसेट पर्सनल एसेट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया बराबर है तो ये कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट क्या लेना एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन अज्यूम हमेशा से ही एसेट का यूज हो रहा है बिजनेस में तो ये कहते हैं आपको क्या लेना चाहिए कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन तो मान लो साल पहले आपने असेट लिया था तो छह साल पहले की कॉस्ट माइनस छह साल का डिप्रीसिएशन जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू बिजनेस में बिल्डिंग बोल के रिकॉर्ड होगा पर ये लॉ तो तब एप्लीकेबल है जब मैंने असेट ही एकत्वम को ट्रांसफर कर दिया अगर मैंने असेट को एकत्व को असेट रेंट पे दिया होगा तब यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है आप समझ रहे हैं ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही तब है जब मैंने ये मेरा पर्सनल ऑफिस को सेल कर दिया बराबर है अगर मैंने सिर्फ उनको रेंट पे दिया तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है मतलब एकत्वम के लिए ये बिजनेस एक्सपेंडिचर बन जाएगा सेक्शन और विजय के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेस थर्टी परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बन जाएगा समझ तो रहे हैं आप मेरी बात को तो ऐसा कई लोग करते बेटा अपन ने हाथ तक ऐसा नहीं किया ऐसा लोग करते हैं समझ आ रही है तुमको बात? मोमेंट बिल्डिंग के अलावा अदर असेट्स रहे तो तो फिर आप लोगों का सेकंड फ्लोर पे ऑफिस क्यों है हमारा नहीं है इतना तो काम ही नहीं करते रहे हम इतना काम ही नहीं करते हम बोलो हमारे पास एक ही काम है कंटेंट चलो सुनो जल्दी से बोलो इसका नो बोलोमीज हार्म चल बोल जल्दी से हाँ बिल्डिंग के अलावा कोई पर्सनल असेट कन्वर्ट किया तो तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है मतलब मान के चलिए विजय ने 2017 में होंडा सिटी ली अठारह लाख रुपए की और 2022 में इसे वो बिजनेस असेट में कन्वर्ट कर देता है जब वो पर्सनल एसेट थी विजन डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा अब 2022 में जब वो बिजनेस में डालेगा अब वो उसे बिजनेस असेट में कन्वर्ट कर देगा अब वो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहेगा वैल्यू क्या पकड़ी जाएगी बिल्डिंग होती तो 18 लाख माइनस 6 साल का डेप्रिसिएशन अब बिल्डिंग तो है नहीं अब लॉ कहता है 22 लाख की वैल्यू बुक में रिकॉग्नाइज होगी इसमें नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा नॉमिनल डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही जगह माइनस होगा वो होगा बिल्डिंग आर यू गेटिंग द पॉइंट नेक्स्ट होल्डिंग टू सब्सिडियरी सब्सिडियरी टू होल्डिंग होल्डिंग टू सब्सिडियरी सब्सिडियरी टू होल्डिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ प्रीवियस ओनर अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी और डिमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी यस और नो इस केस में कॉस्ट मींस कॉस्ट टू प्रीवियस इस केस में कॉस्ट मीन कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ये सो नो नेक्स्ट असेट्स एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड असेट एक्वायर्ड आउट ऑफ बोरोड फंड लोन लेके आपने क्या किया असेट एक्वायर किया एस सिक्सटीन टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करो आफ्टर द डेट इट इज पुट टू यूज अलाउड एज डिडक्शन अप टू द डेट इट पुट टू यूज शेल लीजिए आपने किसी क्रेडिट लिया है जीएसटी इनपुट की बात चल रही है शायद यस मान लीजिए असट सौ रुपए का लिया जिसमें अठारह रुपए का इनपुट है कॉस्ट सौ रुपये लगाऊंगा या एटी टू रुपीज लगाऊंगा अंडरस्टैंड हंड्रेड रुपीज का सेट इंक्लूसिव ऑफ अठारह अठारह रुपये जीएसटी जब मैं अकाउंट्स में अपनी वैल्यू कंसिडर करूंगा मैं कितनी कंसिडर करूंगा हंड्रेड या एटी टू एटी टू अगर आपने जी एस टी इनपुट लिया है तो एटी टू जी एस टी इनपुट नहीं लिया तो हंड्रेड क्लियर है गवर्नमेंट सब्सिडी मिली होगी डोंट यू थिंक सब्सिडी शेल बी रिड्यूज फ्रॉम सब्सिडी शैल नॉट फ्रमड्यूस कर देंगे किसके लिए लाए थे बोले जल्दी से फॉरन कंपनी के लिए Sir, foreign company इतनी जबरदस्त होती थी ये क्या करती थी एसेट फॉरन में एक्वायर किया वहां फुल्ली डिप्रिशिएट कर दिया बाद में इस असेट को इंडिया भेज देते दे थे और यहां पे उसकी एक्चुअल कॉस्ट जीरो से वापस चालू करते थे मतलब दो कंट्री में एक ही एसेट पे डेप्रिसिएशन दो कंट्री में एक ही एसेट पे डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन एज इफ यह असेट हमेशा से कहा यूज हुआ है इंडिया में एक्चुअल कॉस्ट लेस नोशनल डेप्रिसिएशन आहो ये कोई काम का नहीं इसको बाद में देखेंगे इज अट डन यस विल हैव अ ब्रेक हियर एंड हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जहां पे हम पीजीबीपी को आगे बढ़ाएंगे टिल देन बाय बोलो बच्चों